गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, बिकॉज वी ऑल नो दैट वैलेंटाइंस डे इज़ अबाउट टू कम और अभी चल रहा है वैलेंटाइंस वीक। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस, ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले, यू नो, कि व्हाट कैन यू गिव टू योर लव्ड वंस। सो गाइस, एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ द वीडियो इज वैलेंटाइन गिफ्ट्स फॉर हिम, बी इट योर फादर, बी इट योर कजन, बी इट योर ब्रदर, बी इट योर बॉयफ्रेंड। सो गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू कैन गिव हिम इज़ ग्रूमिंग किट। तो आजकल हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेन के लिए भी आ गए हैं, जैसे कि हेयर केयर रेंज और स्किन केयर रेंज आ गई है। फिर आप स्पेसिफिकली बाथ एंड शार प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। देन उसके बाद आप ये जो ग्रूमिंग के लिए बियर्ड ऑयल आ गया है, बियर्ड किट आ गई है, शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, शेविंग फोम, तो उसका एक पैकेज बनाकर आप दे सकते हैं। देन आई वुड रिकमेंड यू सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स दैट आई यूज़ फॉर माई सेल्फ एज वेल। तो यू नो, ये बोथ मेल एंड फीमेल को आप दे सकते हैं। सो गाइज, आफ्टर डूइंग सम रिसर्च, यू नो, मैं यूजुअली प्रोडक्ट्स अमेजोन से बाई करती हूँ, तो कुछ प्रोडक्ट्स तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, जिनकी आजकल स्पेशली वैलेंटाइंस डे की वजह से किट निकल रही है, यू नो, वैलेंटाइंस डे ग्रूमिंग किट एंड ऑल। तो एक तो है पार्क एवेन्यू, उनके पास अलग अलग रेंजेस हैं, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम 500-600 टू अप टू 1500 एंड सो ऑन, उसे कंसिडर कर सकते हैं। पार्क एवेन्यू हो गया, बॉम्बे शेविंग कंपनी के सोप्स आते हैं, देन और भी प्रोडक्ट्स आते हैं। मैंने पर्सनली बॉम्बे शेविंग कंपनी, देन पार्क एवेन्यू, देन एम कैफीन, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, आपने देखा होगा अमेजोन पे और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पे, वो भी मैं पर्सनली यूज़ कर सकती हूँ। आप बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है वो, ये जो ब्रांड्स मैं आपको बता रही हूँ। फिर वाओ स्किन केयर, साइंस की हेयर केयर रेंज है, जो आप एक्चुअली में यूज़ कर सकते हो गिफ्ट करने के लिए किसी को। तो ये सारी चीज़ें आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। सो गाइस, जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि करंटली मैं ये वाओ स्किन साइंस का हेयर कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ द आर्गन ऑयल हेयर कंडीशनर। लेकिन इसका जो कंडीशनर एंड शैम्पू का कॉम्बिनेशन है वो अराउंड 700-800 का आता है। बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, एंड एक्चुअली मुझे इसके कंडीशनर ज़्यादा अच्छे लगते हैं कम्पेयर टू शैम्पू, बिकॉज मुझे एक बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग आती है बालों को आफ्टर यूजिंग दिस कंडीशनर। बट ओवरऑल इनका आई थिंक एप्पल साइडर विनेगर एंड कोकोनट, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आता है शैम्पू एंड कंडीशनर का, वो बहुत अच्छा है, यू कैन डेफिनेटली गिफ्ट इट। सो गाइस, जो दूसरा प्रोडक्ट जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ ग्रूमिंग किट में, जो आप दे सकते हैं किसी को भी, एट फीमेल मेल, दैट इज़ दी एम कैफीन। ये मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने साथ में एक कॉम्बो में खरीदे थे। पहला तो है एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी बॉडी स्क्रब, ये बहुत अच्छा है और आपका एक्चुअली लगता है कि आप कॉफ़ी से, चॉकलेट से सराउंडेड हो, एंड जिनको स्पेशली कॉफ़ी चॉकलेट बहुत पसंद है, तो ये बहुत ही लग्जूरियस और बहुत ही यू नो अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, या जिसे भी आप गिफ्ट कर रहे हैं। और उसके साथ मैंने ख़रीदा था ये दोनों कॉम्बो, लाइक इन दोनों को साथ में ख़रीदा था कॉम्बो में। दिस वन इज़ दी एम कैफीन नेकेड एंड रिच चोको बॉडी लोशन, दिस इज़ अमेजिंग। और स्पेशली मैं इसको ज़्यादा विंटर्स में यूज़ करती हूँ, और मोस्टली जिनकी स्किन ज़्यादा यू नो ड्राई रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये दोनों आए थे अराउंड 500-600 की रेंज में, आई एम नॉट श्योर, बट यस इतना ही है। और इसके साथ मुझे मिला था ये पाउच, आप देख सकते हैं बहुत क्यूट सा, बहुत ही सुंदर पाउच। तो इनके बहुत सारे यू नो प्रोडक्ट के किट्स आ रहे हैं जस्ट फॉर वैलेंटाइंस डे, एंड यू कैन चेक देम आउट, रेंजिंग फ्रॉम अराउंड 500-600 अप टू 1500 एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली चेक दिस आउट। सो गाइज, द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन गिफ्ट हिम इज़ अ वॉच। आपको पता है लड़कों को बहुत ज़्यादा शौक होता है वॉच पहनने का, आजकल तो स्मार्ट वॉच इतनी आ चुकी हैं, लाइक द नॉइज, बोट एंड ये सारी ब्रांड्स की, जो अराउंड 2000-3000 तक रेंज करती है, विच इज़ नॉट बैड इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट मच। बट कुछ अफोर्डेबल ब्रांड्स जो मैंने देखे आपको, जो एक्चुअली आई ऑल्सो रिलाई ऑन, इज़ दी फास्ट ट्रैक, देन वी हैव टाइटन, वी हैव फॉसिल कंपनी, दैट इज़ वेरी फेमस एंड यू नो कंसिडर्ड एज गुड ब्रांड। बिलो 1000 भी बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं, बट ऑफकोर्स दे ऑल्सो गो टू हायर एक्सपेंसिव रेंज एज वेल, बट यू कैन चेक दैम आउट फॉर श्योर। इज द थर्ड ऑप्शन दैट यू कैन फॉर श्योरली गिफ्ट हिम इज द फ्रेग्रेंस, दैट एनी परफ्यूम और इतर यू लाइक। So again we have so many different brands offering different type of Valentine Day gift set. So guys, मैं आपको इसमें बहुत अच्छी recommendation दे सकती हूँ, because मैं खुद men perfume use करती हूँ, yes, because मुझे strong fragrance और you know I don't like the girly fruity smell, जो बहुत ही कम हो, feel भी ना हो कि आपने perfume लगाया है।
so I can recommend you some options. So the first one I have is the Engage Urge Bodylicious Deo Spray. So this says that it stays for 24 hours, and this is very nice. It has a bit of strong fragrance, very affordable. Iska bhi pack aa jata hai affordable range mein. I don't remember actually, but you will definitely get a Valentine's Day, you know, gift set in Engage. Then we also have Wildstone, then the Man Company, who are offering us Valentine's Day gift set. Then I would recommend you guys that Miniso is also a very affordable brand. You can definitely check them out. I have actually, you know, tested few of their perfumes, and I'm also looking forward to buy them. And the next brand that I can recommend you for sure is the Yardley London. I used to think that Yardley ke sirf girl perfumes aate hain, but aisa kuch nahi hai. So maine 3 ka pack purchase kiya tha. Ye 500 or 600 rupees ka aaya tha. I don't know right now. Ye bahut pehle ka purchase hai. तो इसमें है द जेंटलमैन रेंज, आप इसे देख सकते हैं. इससे पहले जो रॉयल था वो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया. वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस फीलिंग देता था आपको. और ये क्लासिक इज़ आल्सो नॉट बैड, दिस इज़ आल्सो ग्रेट ऑप्शन. तो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज कि आप यार्डली का जेंटलमैन रेंज ट्राई करें. और आई एम श्योर इनके भी वैलेंटाइन डे गिफ्ट सेट हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, और ये सब कुछ अंडर बजट है. सो गाइज द नेक्स्ट परफ्यूम आई विल रिकमेंड यू फॉर श्योर इज़ दी ज़ारा सियोल परफ्यूम. दिस रेंजेस फॉर अराउंड 1000 से 2000 के बीच में आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. बट इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी, इतनी लग्जूरियस है. बिकॉज कंपेयर किया जाए अगर इसको और जो मैंने आपको पहले दो फ्रेगरेंस दिखाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यू नो. लगता है क्वालिटी की चीज़ है और अलग ही है. आई कॉन्ट एक्सप्लेन, आई एम वेरी पुअर एट एक्सप्लेनिंग दी परफ्यूम कैसा है ये वो, बट आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा. तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. सो गाइज द नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू कैन गिफ्ट हिम इज दी टेक वाला पार्ट. आई डोंट नो हाउ टू से दैट, बट आप समझ गए, लड़कों को बहुत पसंद होता है ये टेक्निक, टेक वाली चीज़ें. कुछ ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, नया फ़ोन हो गया. ऑफकोर्स कोई मतलब अगर इतना अमीर है तो फ़ोन भी दे सकता है, बट मैं थोड़ी अफोर्डेबल रेंज में बता रही हूँ. तो आप ब्लूटूथ स्पीकर्स दे सकते हो, ईयरफोन्स दे सकते हो, देन यू कैन गिव स्मार्ट वॉच. ये वीडियो गेम्स की अगर आपको नॉलेज है तो आप वीडियो गेम्स दे सकते हो, उससे रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज होती हैं, बहुत कुछ होता है. मुझे नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है. तो मैंने खुद दो चीज़ें खरीदी हैं टेक में, तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ. तो पहला तो है JBL का स्पीकर, ये मुझे गिफ्ट में मिला था. सो दिस रेंजेस फॉर अराउंड 1 to 2000, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, 1 to 2 या 2 to 3000 के बीच में है. बहुत अच्छा काम करता है. और अगर आपको गाने सुनने का शौक है, अगर आप जिसको गिफ्ट कर रहे हो उसको गाने सुनने का शौक है, तो यू कैन डेफिनेटली गिफ्ट दिस. बोट के ईयरफोन्स, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी. और मैंने ये खरीदे थे अगेन अमेजोन से, और ये आता है अराउंड 2 to 3000 के बीच में. बट आई एम श्योर आपको अमेजोन पे सेल में ये सस्ता मिल जाएगा, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप लोगों को तो पता ही होगा. और वाई नॉट, यू नो, इफ़ मैन लव टेक देन मोस्ट प्रॉबली यू शुड गिव दैट. हम गिफ्ट कर सकते हैं कोई क्यूट सी चीज़, अभी हम चॉकलेट्स दे सकते हैं, हैम्पर्स दे सकते हैं, बट कुछ पर्सनलाइज चीज़ अच्छी लगेगी. जैसे कोई वॉलेट पे आपने फ़ोटो प्रिंट करवा दी, या फिर कोई नाम लिख दिया उनका, फिर ऐसा जो वुडन फ्रेम्स आता है जिसपे आप फ़ोटो भेज कर कस्टमाइज़ कर सकते हो, उनकी ड्राइंग, उनकी इमेज प्रिंट कर इनग्रेव करा सकते हो. एक्चुअली ये मैंने अपने मॉम डैड के लिए बनवाया था अगेन फ्रॉम अमेज़ॉन, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी. तो ये बहुत अच्छा लगा था उन्हें, तो आप ऐसा कुछ ज़रूर कर सकते हो. और ये बहुत क्यूट लगता है और बहुत अफोर्डेबल भी था. क्यूट से मग दे सकते हो, जैसे आई हैव वन, ये मुझे गिफ्ट में मिला था. तो ये बहुत क्यूट लगता है, यू नो, आजकल वैलेंटाइंस डे चल रहा है, तो आप उससे रिलेटेड, या जनरली किसी की कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है उससे रिलेटेड आप कुछ भी दे सकते हो. जैसे ये मग हो गया, या फिर आप कोई टी शर्ट दे दी, कोई पिलो दे दिया, कोई छोटे छोटे मिनीएचर्स दे दिए, तो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन. मेक श्योर कि आप जिसको भी गिफ्ट दे रहे हैं, आप उनको अगर रियली खुश करना चाहते हैं, तो देखिए कि क्या चीज़ है जिसमें उनका इंटरेस्ट है. ऐसे सोचिए कि उस बंदे को क्या ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ मुझे ये पसंद है तो उनको भी पसंद आएगा, दैट इज़ नॉट नेसेसरी. तो आप देखिए, उनको अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है, या फिर उनको स्किन केयर में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ दीजिए. इफ़ दैट पर्सन यूजेस समथिंग वेरी ऑफन, तो आप उसे दे सकते हैं. जैसे स्किन केयर ख़त्म हो गया, तो यू नो दैट पर्सन लव्स दैट स्किन केयर, सो यू कैन एक्चुअली री स्टॉक फॉर देम, यू नो, बिफोर दे एंड अप यूजिंग दैट होल प्रोडक्ट. आप उनके लिए वो पूरा नया उनको भेज सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, तो वो वैसे खुश हो जाएंगी.
या फिर अगर वो बहुत देर से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं विच दे आर सम और दी अदर रीज़न नॉट एबल टू बाई, सो यू कैन एक्चुअली बाई दैट फॉर देम एंड गिव देम एज अ गिफ्ट, तो वो भी बहुत अच्छा लग सकता है. सो मेनी एंडलेस ऑप्शंस. सो आप देख सकते हैं कोई पेंटर है तो आप उससे रिलेटेड, कोई फिटनेस फ्रीक है तो उनको योगा मैट, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, या कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हो सकती है. कोई बुक्स रीड करना पसंद करता है तो आप उन्हें बुक्स गिफ्ट कर सकते हो, और किसी को गार्डनिंग करना पसंद है तो आप उनको यू नो उससे रिलेटेड चीज़ें दे सकते हो, या फिर आप आजकल लाइव प्लांट्स भी दे सकते हो जो आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन. तो सम पीपल ऑल्सो यू नो कीप सच काइंड ऑफ प्लांट्स एंड गिफ्ट पीपल जो एक्चुअली नेचर लवर्स होते हैं, जिनको अपने आसपास ग्रीनरी पसंद होती है, और जो इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो सेड दैट दिस ब्रिंग्स लक, सो वाई नॉट गिव दिस टू समवन हु एक्चुअली इन्जॉयज सच काइंड ऑफ गिफ्ट. सो गाइज, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन किसको गिफ्ट कर रहे हैं, उनकी क्या चॉइसेस हैं, क्या उन्हें पसंद है क्या नापसंद है, या फिर वॉट इज़ योर बजट. इन दोनों चीज़ों के हिसाब से आप बाकी चीज़ें चूज कर सकते हो. दैन यू कैन ऑल्सो चूज समथिंग इन DIY जो आप खुद बनाकर बंदे को भेज सकते हो. सो आप ऐसी टी शर्ट्स दे सकते हो, लाइक इफ समवन इज इन फिटनेस और समथिंग, आई बॉट दिस और टी शर्ट जो एक्चुअली आप जिम वेयर या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हो पहन सकते हो. ये मैं मिंत्रा से खरीदी थी, तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. देन यू कैन ऑल्सो गेट यू नो कस्टमाइज वॉलेट्स, टी शर्ट्स दे सकते हो आप, जनरली कोई भी क्लोदिंग की आइटम दे सकते हो. फिर आप ऐसे ये यू नो यहाँ कफलिंग थे जो अब नहीं है, कफलिंग एंड टाई का सेट दे सकते हो आप, कोई होम डेकोर की चीज़ दे सकते हो. फिर अगर जैसे आजकल लोग बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन में होते हैं तो यू कैन गिफ्ट समवन अ रिंग लाइट और मे बी अ ट्राईपॉड और एनी काइंड ऑफ एक्सेसरी दैट विल बी हेल्पफुल टू द पर्सन. ऑप्शन है जो हम आज तक देखते आ रहे हैं, बट आई वुड स्टिल लाइक टू यू नो टेल यू लाइक गोइंग आउट ऑन अ डेट, प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर देम, लाइक अ सरप्राइज डिनर डेट. Or you can also give them a day at the hair spa or you know at the salon so they can actually get pampered. So lastly, I think if you cannot do any of these things, you can you know just make a sweet note or a video and send them, or you can also send them favorite food that they like a special kind of meal that they crave for. So that is definitely going to make the person really happy. So guys, ये थे मेरे कुछ suggestions जो मुझे लगा कि आप gift कर सकते हैं, और I hope आपको ये video helpful लगी होगी. और अगर आपको ये video helpful लगी तो don't forget to like, comment, subscribe and share to my YouTube channel. और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास और options हैं other than what I stated in the video, कि what else we can you know gift to anyone. So guys, thank you so much. This is it for the video. See you in my next video. Bye.